ਹੱਕੜ ਖਬਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਮਾ ਤੇਬਾਕੰਦਾਜ਼ धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश के जंगल राज की छह तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं यानी कि उत्तर प्रदेश के जंगल राज का ताज़ा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं क्या है आज के बुलेटिन की छह वो अहम खबरें जो दिखाएंगी बताएंगी जिनसे प्रदर्शित होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है बताने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं चलते हैं पहली खबर की तरफ पहली खबर दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिले से आपके सामने रख रहा हूं बहुत चर्चित जिला माना जाता है आज के मामले में नोएडा और गाजियाबाद की बड़ी इमेज है जैसे किसी जमाने में कानपुर की इमेज हुआ करती थी यहां एक घर में रात के ढाई बजे के आसपास किचन की खिड़की तोड़कर छह बदमाश दाखिल हुए बच्चों को और परिवार के बड़े लोगों को अलग अलग किया हाथ पैर बांध के उनको बंधक बना लिया और उसके बाद करीब ढाई घंटे तक यहाँ पर नंगा नाच वो बदमाश खेलते रहे करीब दस लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी लूट वो फरार हो गए उनके फरार हो जाने के बाद परिवार के लोगों ने किसी तरीके से पड़ोसी की मदद से पुलिस को सूचना देने की कोशिश की फोन के जरिए लेकिन कंट्रोल रूम फ़ोन बसता रहा आधे घंटे तक पुलिस ने जब फोन नहीं उठाया तो एक बच्ची इस परिवार की बगैर चप्पल पहने हुए रात के अंधेरे में भाग गई पास की पुलिस चौकी पर उसके बाद पुलिस मौके पर आई और मामले की जांच में जुट गई ये हाल है गाज़ियाबाद का जहां अभिहाल ही में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की गई और यहां के एसएसपी एस पी नेतानी ने पुलिस से कहा कि वो चाक चौबंद रहे ये चाक चौबंद है कि ढाई घंटे बदमाश चौकी के बगल में एक परिवार को लूट रहे हैं और पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन नहीं उठा रही है गाज़ियाबाद का चिरंजीवी इलाका पड़ता है वहाँ से ये खबर हमारे पास आ रही है सोमवार की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है भोपाल शर्मा के घर में इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया लेकिन भोंपो मीडिया में अब भी दम नहीं है ना उसके दलाल चाटुकार पत्रकारों में दम है कि बोल सकें कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं बरेली में टीचर के बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया घटना के समय वो सोमवार की रात अपने खेत में धान की सिंचाई कर रहा था उसी दौरान बताया जा रहा है दो लोग वहाँ पहुँचे उसको पकड़ लिया उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद उसको लाठी डंडों से बड़ी बैरमी से पीटते रहे मरणासन हालत में उसको छोड़ के फरार हो गए किसी तरीके किस से दिन निकलने के बाद परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो इसे हॉस्पिटल ले आ गया जहाँ जाँच के बाद डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया बरेली ज़िले का एक इलाका पड़ता है सिरोली वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है इस वारदात से पूरे गांव में अजीब सी दहशत का माहौल है हालांकि रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया मृतक के परिवार में पत्नी ग्रावतीन बच्चे हैं और अपने परिवार में चार पाँच भाइयों में दूसरे नंबर पर आता है वारदात से उसके परिवार में गम का माहौल है हालांकि बताने की जरूरत ही नहीं जिसके परिवार की हत्या होगी गम का ही माहौल होगा लेकिन पत्रकार वाला की स्टाइल होता है लाइन बढ़ाने के लिए ये भी बोल दो जी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है जांच कर रही है इतनी टीमें बना दी गई है मामले को ख़बर को लंबा कैसे खींचेंगे मृतक का नाम धीरज है उम्र करीब पच्चीस साल है और उसके पिता आ, का नाम जो है वो आ, मेरे पास अभी आ जाएगा तो मैं आपके सामने रखूंगा वो शिक्षक संघ के नेता भी हैं और पिता का नाम है बुद्ध पाल और ये वारदात के बाद से अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि क्या ये हत्या जो है इस शख्स से थी या इसके पिता से थी क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया है हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार अभी तक कर लिया है पर वारदात वो घर में डाका पड़ रहा था ये खेत में पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं घर में घुसकर दुर्गा पूजा के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है परिवार के लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए लेकिन जांच के बाद डॉक्टर उन्होंने मृत घोषित कर दिया उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये खबर हमारे पास आई बहराइच का एक इलाका पड़ता है किशनपुर वहाँ पर सोमवार की आधी रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया बताया गया वारदात के वक्त मृतक शंभूलाल जिनकी उम्र करीब साठ साल है बाप का नाम रामफल है वो अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे उसी दौरान दीवार फांदकर कोई आया और उनके पेट में गोली मारकर फरार हो गया गोली सुनने के बाद परिवार के लोग जागे और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन तब तक उनकी रास्ते में मौत हो गई पहले से ही एक एस सी का केस दर्ज है कुछ लोगों के खिलाफ माना जा रहा है कि उन्होंने ही इनकी हत्या को अंजाम दिया है पुलिस ने उसी केस में हत्या की धारा को बढ़ा दिया है और मामले की जांच करने में लग गई है अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है लेकिन एक हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद धर्म विशेष के लोगों पर यह आरोप लग रहा है और उसके बाद वहाँ तनाव की स्थिति है जिसे देखते हुए वहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है अगली खबर का रुख कर लेते हैं दलित युवकों को दौड़ा दौड़ा पीटा नौ घायल हो गए वारदात के विरोध में महिलाओं ने थाने पर घेराव किया जाम लगाकर प्रदर्शन किया ये खबर हमारे पास आ रही है प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ ज़िले का एक गांव पड़ता है बागराज थाना क्षेत्र के अंदर आता है जिसको लाल गोपाल गंज के नाम से जाना जाता है वहाँ पे दबंगों ने अखाड़े में हुए एक विवाद को लेकर यानी कि नागपंचमी में अखाड़े में एक विवाद हो गया था उसको लेकर दलितों के मोहल्ले में घुसकर नंगा तांडव मचाया दर्जन भर दलितियों को पर दौड़ा दौड़ा के पीटा फायरिंग की गोलियां चलाईं और उसमें नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया पुलिस को सूचना दी गई लेकिन जब सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिलाएं सैकड़ों पहले थाने पर इकट्ठे हो गई और थाने पर इकट्ठे होने के बाद फिर उन्होंने हाईवे पर भी जाम लगा दिया करीब चार घंटे तक वो जाम लगाकर प्रदर्शन करती रही मांग करती रही कि एस को मौके पर बुलाइए एस तो मौके पर नहीं आया पुलिस ने किसी प्रकार समझा बुझा उनको कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया तो एक एक खबर को देखते चलिएगा पहली खबर घर में डाका है दूसरी खबर जो है वो खेत में हत्या है और तीसरी खबर घर में आंगन में सो रहे यानी कि बरामदे में सो रहे शख्स की हत्या है और यहाँ जो है दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है ये चल रहा है यूपी में जंगल राज पांचवी तस्वीर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की छोटी राजधानी बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा अब बड़ी राजधानी कहे जाने वाले गोरखपुर से खबर आ रही है यहाँ पुलिस चौकी पर हमला किया गया पुलिस वालों को छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी है दूसरे थानों कार चौकी का फोर्स आ जाने के बाद छह हमलावरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और लोग फरार हो गए हैं गोरखपुर का एक थाना पड़ता है बेल घाट थाने की एक चौकी है जिसका नाम है पूरी बाजार बताया जा रहा है यहाँ के दरोगा रात को गश्त में निकले तो उन्होंने देखा रामचंद्र के घर के बाहर तेज़ आवाज़ में डीजे बज रहा है उन्होंने जाते हुए कहा कि जब मैं वापिस आऊँ तो डीजे बजता हुआ मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए इसको बंद कर दिया उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक प्रोग्राम है इसलिए हम बजा रहे हैं रात करीब दस बजे दरोगा महोदय बताया जा रहा है वापस लौटे डीजे बोल तेज़ आवाज में बज रहा था उन्होंने डीजे बंद कराया और एक शख्स को बैठा के चौकी पर ले आया इसके बाद 10 से 15 लोगों की एक भीड़ थाने पर पहुंच चौकी पर पहुंच गई और उस शख्स को छुड़ाने की मांग करने लगी इन्होंने छुड़ाने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने और लोग बुला लिए मुला पार्टी थोड़ी है कि डंडा भी मारोगे लठठ भी मारोगे हवालात में भी डाल दोगे और कुछ नहीं कहेंगे बाबूजी बाबू जी कहेंगे निकाल के पैसा देंगे या पैसा लेके पहले ही चले आएंगे इनको तो डंडा भजाना है नाम है रामचंद्र जी तो वो लोग आ गए और उसके बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया हालत ये बताई जा रही है कि पुलिस वालों को छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी बाद में भारी पुलिस फोर्स मौके पर आया छः लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब कहा जा रहा है साहब ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा देखेंगे कौन सी क्रांतिकारी कार्रवाई कर देंगे एनएसए लगा देंगे क्या दम है क्या छप्पन इंच का इतना एनएसए तो वहीं लग सकता है मुल्लान पर ही इस मानसिकता को पुलिस को समझना पड़ेगा आप लोगों को लगता होगा कि मैं धर्म विशेष का नाम लेके बात करता हूँ लेकिन जब कानून है वो तो सबके लिए काम करेगा यही पथराव अगर मुसलमानों ने कर दिया होता या किसी दलितों ने कर दिया होता तब देखते हैं पुलिस क्या तांडव मचाती घर में घुस घुस के ढूंढ ढूंढ के मारती अगली खबर का रुख कर लेते हैं आखिरी खबर इस बुलेटिन की आपके सामने रामपुर से रख रहा हूं रामपुर में गोली मारकर एक ग्राम प्रधान की हत्या कर दी है वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया है रामपुर जिले के एमी गांव से खबर हमारे पास आ रही है मृतक प्रधान का नाम सतीश नायक बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो स्कूल की बाउंड्री वॉल यानी कि जो चार दीवार है उसका निर्माण करा रहे थे तो पेड़ के नीचे बैठे हुए देख रहे थे अचानक उसी समय बगल के गाँव का रहने वाला एक शख्स वहाँ पे आया पहले उनसे बहुत देर तक बातें करता रहा फिर अचानक उसने संजय दत्त स्टाइल में घोड़ा निकाला संजय वास्तव फिल्म देखिए ना ए माँ देखना ये घोड़ा दो लाख का आता है वो वाला स्टाइल है तो घोड़ा निकाला और सीधे इनके माथे पर रख कर गोली मार दी और फिर वहाँ से फरार हो गया इनको हॉस्पिटल ले गया जाँच के बाद डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस मामले की जाँच कर रही है तो ना कोई ग्राम प्रधान सुरक्षित है ना कहीं पर कोई पुलिस वाला सुरक्षित है चौकी के अंदर देखिए साहब कार्रवाई करेंगे और छप्पन इंच का सीना दिखाएंगे सिर्फ ओबीसी समाज के लोगों पर सिर्फ दिखाएंगे एस समाज के लोगों पर या सबसे ज़्यादा दिखाएंगे मुस्लिम समाज के लोगों पर और ऐसे में मोहपो मीडिया के दलाल चाटोगढ़ दंगाई पत्रकारों का खून अब नहीं खोलेगा कि गोरखपुर में पुलिस चौकी पर जिन्होंने हमला किया है उनके लिए अमीज देवगन आवाज़ जरूर उठाएगा बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त